आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। यूनिवर्सिटी की जो है बुनियाद पड़ी और धीरे धीरे तरक्कियों के काले से यूनिवर्सिटी के बहुत सारे डिपार्टमेंट बढ़ते गए और नए नए खुलते गए। और बहुत खुशी की बात है कि अलीगढ़ का मेडिकल कॉलेज और वहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज और खुद यूनिवर्सिटी है हमेशा जो है अब पिछले कई साल से टॉप 10 के अंदर आता है। और अलीगढ़ में बहुत सारे जजेस, बहुत प्राइम मिनिस्टर जो है कैंडिडेट के भी है पैदा किए और प्रेसिडेंट एट वन टाइम जो है देखिए जाकिर हुसैन साहब प्रेसिडेंट थे, अयूब खान प्रेसिडेंट थे। तो हर तरह की जो पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उससे हमारे मुल्क तरक्की करेगा, यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी और मिलजुल के। और जो फैसला आया है एक थोड़ा सा अजीब गरीब से माहौल बना दिया जाता है, ये किसी भी फरीक की किसी कम्युनिटी की जीत नहीं है ना किसी की हार है। ये मैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ एज ए वर्ल्ड वाइड प्रेसिडेंट आजमगढ़ के, इस फैसले से और तरक्की होगी हिंदुस्तान की और बाकी सब वो दरवाजा जो सबके लिए खुला है। अभी आप लेडीज की बात कर रहे थे, इतनी उदार जगह कौन लेडीज के लिए हो सकती है। वहां पहली ही चांसलर जो है हर हाइनेस बेगम सुल्तान जहाँ पहली और आज भी वाइस चांसलर जो लेडीज है वहां पर, अगर आप लोगों ने देखा नहीं, अगर आप वहां चले जाए तो ये मेरे जेब में मेरा जो है ये मोबाइल है अभी, मतलब अगर वास्तव में भी खोल लें इसमें मेजॉरिटी जो हमारे नॉन मुस्लिम भाई हैं जो वहाँ जो एम बी एम एस एम सी ए तब नहीं था एम बी बी एस किए हैं और सब लोग जो है एक दूसरे तो ज्ञान नतीजे आते हैं प्यार मोहब्बत के। ये बाहर से जो खबरें थोड़ा सा कुछ लोग बढ़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं तो ये गलत माहौल पैदा होता है। ये पूरे आज का फैसला एक तारीखी फैसला पूरे हिंदुस्तान की जीत है, ये हिंदू भाइयों की जीत है, मुसलमान भाइयों की जीत है। पर्पज है कि एजुकेशन बढ़े और जो जो तबका जो एजुकेशन से दूर है जो उससे महरूम है जो है वो जो उसको बेहतर बेहतर हासिल करे ताकि पूरे दुनिया में और पूरे हिंदुस्तान में हमारा दबदबा जो है तालीम के जरिए कायम रहे। धार्मिक समुदाय भी अपने शिक्षण संस्थान चला सकते हैं, संदर्भ में कही गई मामला। देखिए जैसे शुरू में जब वो मतलब खुला जो है तो वहां पर एक मदरसे से शुरुआत हुई है और उस वक्त जो प्रॉब्लम थी जो है देखिए दोनों कम्युनिटीज में थी। उस कम्युनिटी में जो है राजा राम मोहन राय साहब ने शुरू किया जो है ताकि जो पुरानी रवायतें थी पढ़ाई लिखाई से लोग दूर रहते थे, अंग्रेजी ना पढ़ो नहीं बिगड़ जाओगे जो है, उन्होंने भी काफी मेहनत किया जो है खास करके तो कलकत्ता में कॉलेज खोला जो है। सर सैयद अहमद खान ने महसूस किया कि अगर एक अच्छी आधी पॉपुलेशन जो अगर दूर रह जाएगी एजुकेशन है तो कंट्री की तरक्की नहीं हो पाएगी। तो इस संदर्भ में जो है एक ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाना चाहा जहाँ मुसलमानों की एजुकेशन बढ़े लेकिन साथ साथ में बाकी लोगों के लिए लिमिटेशन नहीं है, वो भी पढ़ाएं, वो भी आए, वो भी लेक्चरर हो, वो भी है, उनकी भी तरक्की हो। तो वहाँ का दरवाजा तो हर आदमी के लिए खुला रहता है। कहाँ विरोध हो रहा है? देखिए पिटीशन, देखिए ऐसा इतना बड़ा मुल्क है, इतने बड़े मुल्क में हर यहीं पे 40-50 लोग हैं, हर आदमी की आइडियोलॉजी जो है एक जैसी नहीं होती है। इसको आप लोग बहुत ही और तो सुनिए है, हम लोग तो हर जगह कहते हैं मतलब यहाँ पर 95% लोग जो एक ही आइडियोलॉजी के हैं, वो आइडियोलॉजी एक, पूरा मुल्क एक है, हर आदमी यहाँ भाई भाई है, न कोई मतलब धार्मिक भेदभाव है। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हर आदमी का माइंडसेट एक नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं तो विरोध जो है कोई आदमी कर सकता, हर जगह विरोध हो सकता। अब वहां के तो छोड़ दीजिए, मेरा छोटा सा अस्पताल है, दिन भर में भूखे प्यासे जो वहां मरीज देखता रहता, एक घूंट पानी नहीं पी पाता, एक लड़का धीरे मेरे साथ आया है, लेकिन कई आदमी उसी के विरोध कर जाते हैं, मेरी सवारी छूट गई, अब मैं कहाँ खाना खाऊंगा, कहाँ रहूंगा। तो आप विरोध की बात ना करिए, जो है विरोध तो इतने बार मुल्क में कहीं से भी पैदा हो सकता है, अच्छे काम के लिए पैदा हो सकता है, तो हॉल कोई विरोध नहीं है। जब कोई फैसला नहीं हो पाता तो जाहिर हमारे यहाँ एक बेहतरीन सिस्टम है कोर्ट का जो है और 3-tier सिस्टम है। इतनी बड़ी है मतलब आजादी कहाँ हो सकती है, 3-tier सिस्टम रखा गया ताकि कहीं से कोई लकुना रहे तो एक फाइनल जजमेंट है। आज के जजमेंट में 7 जो है जजेस के बेंचेस है मेजॉरिटी के साथ, 4-3 मेजॉरिटी के साथ, 8-3 के जो है
वो लेते हुए पिछला जो है फैसला जो है रद्द करके अजीत बादशाह साहब का जो है ये फैसला दिया है। इससे हर आदमी की तरक्की होगी, एजुकेशन तरक्की होगी। माली आप एक छोटी बात बता रहा हूँ, मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां अगर मेरा घर बहुत पढ़ा लिखा हो और अगल बगल में 4-5 हजार तक हिंदू भाई लोग पढ़े लिखे ना हो, मेरे घर की क्या दुर्दशा होगी आप जहाँ जान जाइए। तो मेरी तो कोशिश यह रहेगी मेरा घर भी पढ़ा लिखा हो और वो मेरे भाई जो हिंदू वो भी पढ़े लिखे हो, ताकि वहां